पटाखों पर बैन होने के बावजूद भी दीपावली के मौके पर दिल्ली एनसीआर में जमकर आतिशबाजी हुई, जिसके चलते प्रदूषण पर काफी इसका असर पड़ा। प्रदूषण के स्तर में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं अक्षरधाम पर, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रदूषण की चादर ने अक्षरधाम को अपनी चपेट में लिया हुआ है। प्रदूषण जो है उसकी वजह से अक्षरधाम पूरी तरह से साफ जो है वो नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त रात के तकरीबन 3:30 बज चुके हैं और पूरी दिल्ली की बात की जाए तो PM2.5 421 दिखा रहा है, यानी कि कंडीशन काफ़ी गंभीर हो चुकी है। यही नहीं, अगर लोधी रोड की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 392 जो है PM2.5 दिखा रहा है, जो कि वेरी पुअर है। इसके अलावा अगर हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है PM2.5 480 के आसपास जो है वो पहुँच चुका है। तो यानी कि साफ कह सकते हैं कि प्रदूषण का स्तर जो है राजधानी दिल्ली में काफ़ी बढ़ चुका है। शनिवार की सुबह की बात की जाए तो ये प्रदूषण का स्तर जो है 300 के आसपास था, लेकिन शनिवार शाम के बाद ये 400 से ऊपर जा चुका है। ये NH24 की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको प्रदूषण की घनी चादर जो है वो सड़क पर दिखाई देगी। विजिबिलिटी पर काफ़ी असर जो है वो पड़ा है पिछले दिनों के मुकाबले। तो साफ है कि जिस तरह से उल्लंघन हुआ है आदेशों के, लगातार आतिशबाजी की गई थी, काफ़ी आतिशबाजी जो है वो दिल्ली NCR में हुई, जिसके चलते प्रदूषण का असर काफ़ी गंभीर हुआ है। और फिलहाल अभी स्थिति जो है वो सामान्य नहीं है, जिसके चलते काफ़ी चिंता की बात होती हुई सामने नज़र आ रही है। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग जो हैं वो घरों से बाहर निकले, अगर ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले। कैमरा तनवीर के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।